Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब का जन्मदिन है. इस अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति अजमेर ने कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए हैं. गहलोत साहब का यह आह्वान था कि अपना जन्मदिन कोई नहीं मनाए और सादगी के साथ सेवा के काम करें, तो हमने इसको सेवा संकल्प दिवस के रूप में आज के जन्म दिवस को लिया. और हमने आज सुबह गायों को चारा डाला, कबूतरों को अन्न डाला, दाना. उसके बाद गहलोत साहब की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बहबूदी के लिए और कोरोना महामारी भागे, इस बात के लिए विशाल हवन किया. और अब हम धानका बस्ती में आए हैं ये बच्चे जरूरतमंदों को राशन सामग्री बांटने के लिए. आज हम 500 कट्टे बांटेंगे, इसी प्रकार से 500 फूड पैकेट लोगों को देंगे. और अब से लेकर के 15 तारीख तक हमारे काम जारी रहेगा, क्योंकि अशोक गहलोत साहब के जन्मदिन को हम एक यादगार जन्मदिन के रूप में मनाना चाहते हैं. महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति लॉकडाउन के डे वन से इस काम में लगी हुई है, और एक पहले दिन से मतलब 22 तारीख को शायद लगा था अपने अजमेर में, उसके सेकंड डे से हम खाद्य सामग्री और ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ बांट रहे हैं. आज जो हम वितरण करेंगे उसके अंदर फल वितरण भी है टीबी हॉस्पिटल में, और इसके साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क ये भी हम देंगे. तो आज और इसमें हमारी पूरी कमेटी सम्मिलित है. मेरे साथ शक्ति प्रताप सिंह जो हमारे युवा समन्वयक है, मनोहर भाई, सौरभ बजाड़ और हमारे जो ब्लॉक के प्रभारी हैं, वो सब इसमें लगे हुए काम के अंदर, और वो सब मिलकर के ये काम कर रहे हैं. और पूरे अजमेर ज़िले में ये पिसागंज में भी हो रहा है, नसराबाद में भी हो रहा है, किशनगढ़ में भी हो रहा है. किशनगढ़ में आज नाथुराम समुदिया ने गायों को चारा डाला, और वहाँ के जो ब्लॉक प्रभारी हैं सखी भाई, राकेश शर्मा और वो सिनोदिया का नाम राहुल सिनोदिया, इन सबने मिलकर के इसी प्रकार से पिसागंज में, इसी प्रकार से नसराबाद में, इसी प्रकार से केकड़ी में, इसी प्रकार से सहवाड़ में, सब जगह काम हो रहा है. और मैं इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से गहलोत साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. परमात्मा उन्हें दीर्घायु दे, और इसी प्रकार वो देश और प्रांत की सेवा करते हैं. डॉक्टर श्री गोपाल भाईती, समन्वयक महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति अजमेर. आज गहलोत साहब का जन्मदिन है, और इस उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर, क्योंकि वो बेहद ही संवेदनशील और जनता के, आम जनता और गरीब जनता के प्रति सामाजिक सरोकार निभाने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं, और उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का संकल्प लिया, लेकिन उनके जन्मदिन के अवसर पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको किसी प्रकार से छोटी छोटी भेंट के रूप में जो छोटी भेंट दी जा सके वो व्यवस्था की है. और हम ये जन कामना करते हैं कि गहलोत साहब दीर्घायु हों, शतायु हों, और इसी तरह जिस तरह से वो बरसों से राजस्थान की ही नहीं हर जगह जाके लोगों की सेवा करते हैं, आगे भी सेवा करते रहें, और उनका जीवन बहुत लंबा हो, शतायु. अपने शहरवासियों को मैं ये अपील करूँगा कि वे कानून का पालन करें, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें, और प्रशासन और पुलिस जो काम कर रहे हैं उनके उसके साथ उनका पूरा सहयोग करें. और जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डॉक्टर और नर्स जो अपने भूमिका निभा रही हैं, उन डिपार्टमेंट के लोग यदि उनके घर आते हैं तो उनका उचित सम्मान करें, और जो जानकारी वो चाहते हैं वो उनको बिल्कुल उपलब्ध कराएं. और यदि उनके आसपास में कोई संदिग्ध है या खुद भी कोई उनके लगता है कि उनको वो है कि वो पॉजिटिव में है, तो वो छिपाए नहीं, क्योंकि ये बीमारी डरने की बीमारी नहीं है, इसका इलाज है. स्वतः ही जाके डॉक्टर्स के पास जाएं और अपना इलाज कराएं, घर में रहें, स्टे होम. आपका नाम? सौरभ बजाड़.